जल संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। हिमाचल सरकार ने आज यू टर्न लेते हुए कोर्ट में कहा कि दिल्ली को देने के लिए उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की सप्लाई के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड से अपील करने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार शाम 5 बजे तक अपर यमुना रिवर बोर्ड को 152 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए अर्जी दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को भी जल्द से जल्द बैठक बुलाने के लिए कहा और दिल्ली सरकार की अर्जी पर जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा। तो ये देखिए कैसे दूर होगा जल संकट, ये एक बड़ी समस्या दिल्ली के लोगों के लिए, लेकिन यहां ये भी समझना होगा कि ये ज्यादातर वो कॉलोनीज हैं जो अवैध रूप से बसी हुई हैं, जो कॉलोनीज सरकार के नियमों के तहत बसी हुई हैं वहां पर पानी आ रहा है, लेकिन ये समस्या जो है वो भीषण होती जा रही है और अभी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। दिल्ली गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप चूंकि हरियाणा सरकार को पानी रिलीज करना है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कोई सरप्लस वाटर नहीं है जैसा कि वो पहले क्लेम कर रहे थे, तो आप हरियाणा सरकार को आज 5 बजे तक एप्लीकेशन लगा करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और उसके बाद हरियाणा सरकार उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी और कंसिडर करते हुए जो अपने रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए आपको अकॉर्डिंगली इंटीमेट करेंगे और हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार, दिल्ली सरकार और अपर यमुना रिवर बोर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये सारे मिल करके बैठ करके चीज़ों पे कंसेंसस बना करके दिल्ली सरकार को कितना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पानी रिलीज किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार इस पर डिसाइड किया जाएगा। जी, और दिल्ली में एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस का महकमा दिल्ली में बहने वाली मुनक नहर की पहरेदारी करता हुआ नजर आया। हालांकि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से दिल्ली जाने वाले टैंकर्स दिन दहाड़े मुनक नहर से पानी की चोरी करते हैं। जी न्यूज के कैमरे पर उनकी ये चोरी कैद भी हुई है। किस तरह से दिन दहाड़े दिल्ली की नहरों में से पानी निकाला जा रहा है, सामने आप तस्वीरें देखिए। ये आप देखिए कि ये सामने टैंकर है, टैंकर में पाइप डालकर पानी निकाला जा रहा है और अब देखिए ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये दो टैंकर यहाँ पर सामने आपको दिखाई देंगे जिनमें अवैध रूप से पानी निकाला जा रहा है। ये देखिए पानी भी अब ओवरफ्लो हो रहा है और ये सारा पानी नहर के अंदर पाइप डाल के, विनायक जी एक बार दिखाइएगा दर्शकों को हमारे कि किस तरह से ये आप देखिए ये हरे रंग का जो पाइप यहाँ से है इसको नीचे डाला गया था नहर का जो पानी था उसके अंदर और उसके बाद इस तरह से पानी निकाला जा रहा था और इसको भरा जा रहा है। अब आप देखिए ये एक शख्स है जो ऊपर चढ़ा है टैंकर के और अब ये पाइप को हटा रहा है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिल्ली में खुले आसमान में चोरी की जा रही है पानी की। मुनक नहर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये आप देखिए ये दो लोग यहाँ पर हैं और ये दोनों अब इसके ऊपर चढ़े हुए हैं टैंकर के ऊपर और अब पाइप को हटा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से लगातार पानी की चोरी हो रही है। और इस बड़ी खबर पर मेरे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, अंजलि सिंह मेरे साथ मौजूद है और अरविंद मेरे साथ मौजूद है। अरविंद, कितने दुख की बात है कि चाहे पर्चा लीक हो तो मामला सुप्रीम कोर्ट, पानी ना आ रहा हो लोगों के घरों में तो सुप्रीम कोर्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में सरकार से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को अब अपना दायरा बढ़ा लेना चाहिए। हर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, पानी का मामला फाइनली पहुंचा और दिल्ली के लिए बड़ी विकट स्थिति है। भाई दिल्ली को अगर पानी चाहिए तो हरियाणा से मिलेगा, उत्तर प्रदेश से मिलेगा या हिमाचल प्रदेश से मिलेगा, और यही विडंबना है। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए शोभना जी, नीट का मामला तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और वो तय करेगा कि परीक्षा रद्द हो या नहीं आगे, लेकिन जल संकट वाला मामले से सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है इस मामले का और वो ये तय नहीं कर सकता कि राज्यों के बीच पानी का बंटवारा कैसे हो, ये बहुत संजीदा और जटिल मसला है, लिहाजा जो एक्सपर्ट बॉडी है अपर यमुना रिवर बोर्ड वही तय करे इस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कह दिया है कि वो आज शाम 5 बजे तक अपर यमुना रिवर बोर्ड के सामने अपनी अर्जी लगाएं, बोर्ड उस पर फैसला ले जल्द से जल्द मीटिंग बुला करके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हिमाचल सरकार ने यू टर्न ले लिया है। हिमाचल सरकार जो ये कह रही थी कि हमारे पास सरप्लस पानी है, हम दिल्ली को देने के लिए तैयार हैं, और दिल्ली जो कह रहा था कि हिमाचल देने के लिए तैयार है लेकिन हरियाणा के जरिए आना है, हरियाणा सहयोग नहीं दे रहा है, आज स्थिति बिल्कुल बदल गई। हिमाचल ने कहा कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है कि हम दिल्ली को दे सके और जो बयान हमने कोर्ट में दिया गया था वो हमसे गलती से दिया गया। ठीक है, तो कोर्ट का जो पुराना आदेश था वो निष्प्रभावी हो गया और ऐसे में कोर्ट ने अब अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ दिया है सब कुछ। जी न्यूज़।